बच्चों कैसे हैं? भगवान से दुआ है अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों हम आईपीसी नॉमिनेचर पढ़ रहे थे, आज लेक्चर नंबर 6 मैं आपको करवा रहा हूँ। आईपीसी नॉमिनेचर की जब बात करें तो आईपीसी नॉमिनेचर के अंदर हमारे पास आज का जो टॉपिक है दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। हमने स्केल्टन देखा था, स्केल्टन ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, मैंने स्केल्टन करवाया था आपको। स्केल्टन ऑफ आईपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या था? रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये हमने आपको पढ़ा। इसमें इस नॉमेनक्लेचर की जब बात कर रहे थे, इस स्केल्टन की जब बात कर रहे थे, तो रूट वर्ड क्या होता है डिस्कस कर लिया था। ये हमने डिस्कस कर लिया था। रूट वर्ड डिस्कस कर लिया था, प्राइमरी सफिक्स डिस्कस कर लिया था, प्राइमरी प्रीफिक्स डिस्कस कर लिया था, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी कुछ हद तक डिस्कस कर लिया। आप बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। जब आप सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप्स आर यूज्ड एज सेकेंडरी प्रीफिक्स। वो जब हो तो कौन सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं? बहुत से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, मैं बेसिकली 4 या 5 फंक्शनल ग्रुप्स लेकर आपको शुरुआत कर रहा हूं। हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा हमारे पास साइनाइड। तीसरा हमारे पास एल्डिहाइड। अगला हमारे पास कीटो और अगला हमारे पास अल्कोहल। मैं इन 5 फंक्शनल ग्रुप से आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और भी हैं वो भी पढ़ाएंगे, पहले एक बार समझाने की कोशिश हो रही है। एल्डिहाइड, कीटोन्स और अल्कोहल्स। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूले याद रखेंगे। फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड OOH। साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड NCl। एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। कीटोन C डबल बॉन्ड O। अल्कोहल क्या है? OH। फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स और अल्कोहल्स। फॉर्मूला C डबल बॉन्ड OH CN C डबल बॉन्ड OH, कीटोन C डबल बॉन्ड O, अल्कोहल OH। सफिक्स की बात करें, सफिक्स जब यूज हो तो क्या यूज होता है इनके लिए? सफिक्स के लिए जब ये सेकेंडरी सफिक्स यूज होंगे तो आप क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड जब सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा तो आप यूज करोगे ओइक एसिड। साइनाइड जब सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा तो आप यूज करोगे नाइट्राइड। एल्डिहाइड यूज होगा तो आप यूज करोगे एल। कीटोन जब यूज होगा तो आप यूज करोगे ओन। और अल्कोहल जब यूज होगा तो आप यूज करोगे ओ। क्या यूज करोगे? 5 फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला याद हो C डबल बॉन्ड OH, साइनाइड C डबल बॉन्ड N, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, कीटोन C डबल बॉन्ड O, अल्कोहल OH। ये 5 के आपको फंक्शनल ग्रुप जरूर याद हो, फॉर्मूला याद हो, इनके सफिक्स याद हो। कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड, साइनाइड नाइट्राइल, एल्डिहाइड अल, कीटोन ओन, अल्कोहल ऑलवेज। अब हमारी बात है कि सेकेंडरी सफिक्स यूज करता है, तो जब सेकेंडरी सफिक्स की बात करोगे तो मैं सेकेंडरी सफिक्स के ऊपर आ रहा हूं। हमने कहा है कि स्केल्टन पढ़ लिया, उसमें सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है, तो पहला पॉइंट लिख के आ रहा हूं मैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, सिंगल फंक्शनल ग्रुप
when present is always used as secondary prefix, is used as secondary prefix. जब भी सिंगल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स ही यूज होगा. सिंगल फंक्शनल ग्रुप वेयर प्रेजेंट इज ऑलवेज यूज्ड एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, वो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा. एग्जांपल के लिए ये आपको दिया किसी ने CH3 C डबल बॉन्ड OOH. आपके पास आईपीसी नोमेनक्लेचर के जो बेसिक रूल्स हैं वो जरूर याद हो. CH3 C डबल बॉन्ड OH. फर्स्ट पॉइंट, पहला आपके पास सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे ज्यादा लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी. फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, तो ये वन देंगे फंक्शनल ग्रुप वाला, ये वन और ये टू. दो कार्बन दो के लिए इथ सिंगल बॉन्ड ए, और सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज जो होगा इस बार दैट इज ओइक एसिड, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड. मैंने एक बात बता दी आपको, जब भी दो और साथ आ जाए पर टाइम ये दो और साथ आ जाए पहला और हट जाता है तो ये हट गया, नाम हो गया इथ एन नोइक एसिड, इथेनोइक एसिड. नाम हो गया इथेनोइक एसिड. बच्चों कॉमन नेम इसका इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें. CH3COOH का कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, जरूर याद रखना है एसिटिक एसिड. और देन ये आ जाए CH3CH2COOH. सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये ग्रुप आ गया. सबसे पहले ग्रुप देखो कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड. ये वन ये टू ये थ्री, तीन कार्बन तीन के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड एन वन अल प्रोपेनल, क्या हो गया प्रोपेनल. अगला देखो ये आ जाए CH3 ये वन टू थ्री, तीन कार्बन तीन के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड एन टू पे है, ये ग्रुप कौन सा है कीटोन, सिंगल बॉन्ड ओ कीटोन ग्रुप है. प्रोपेन टू ओन दो पे है तो टू ओन, वन का हम लिखते हैं लिखो तो लिखो नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, उसके अलावा जो क्वेश्चन होती है वो लिखनी होती. प्रोपेन टू ओन दो और साथ आगे की और ओ की है कॉमन नेम के इंपॉर्टेंट है. इसका कॉमन नेम ये ग्रुप था एसिड, इसका कॉमन नेम एसिडिक एसिड. ये इसके अंदर एल्डिहाइड है, इसके अंदर CH3COCH3 प्रोपेन टू ओन कॉमन नेम याद रखें एसीटोन, कॉमन नेम जरूर याद रखें इसका एसीटोन. ये आपके पास CH3COOH ये एल्डिहाइड ग्रुप है, नंबरिंग वन टू, दो कार्बन दो के लिए इथ सिंगल बॉन्ड एन, और जो प्राइमरी सफिक्स बना दैट इज इथ एन अल, वो है एल्डिहाइड, तो अल यूज होगा इथेनल. कॉमन नेम इसका भी इंपॉर्टेंट है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड क्या नाम इसका एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज एसिटल्डिहाइड. आगे देखिए और देखिए बच्चों इसके अलावा, तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, यदि सिंगल फंक्शनल ग्रुप है तो हमेशा क्या यूज होगा सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, सेकेंडरी सफिक्स. अब एक बच्चा कहता है सर मान लो ये सिंगल ही फंक्शनल ग्रुप है CH2CH2OH, एक जैसा ग्रुप आ गया कितनी बार रिपीट हो जाए, ग्रुप तो एक है ना OH है एक ही है तो हमेशा सफिक्स बनेगा. सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वन टू, दो कार्बन दो के लिए इथ सिंगल बॉन्ड ए वन टू डाइओन, दो बार है डाइओन, इथेन वन टू डाइओन, बड़ा को हमेशा क्या सफिक्स बना तो वन टू डाइओन. इसका भी नाम इंपोर्टेंट कॉमन है ग्लाइकोन, ग्लाइकोन याद रखना ग्लाइकोन, ग्लाइकोन. ये आ गए CH2CH CH2OH OH OH, वन टू थ्री तीन कार्बन तीन के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड एन एन वन टू थ्री, तीन बार हो गया ट्राइओन, तीन बार हो गया ट्राइओन. इसका भी कॉमन इंपॉर्टेंट है दैट इज ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या नाम इसका ग्लिसरॉल. आगे चले बच्चों ये आता है नाम आपके पास और प्रैक्टिस करें एक बार, ये आपके पास आया किसने कहा सर CH3 CH3
सी ट्रिपल बॉन्ड एन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वन टू, दो कार्बन, दो के लिए इथेन, सिंगल बॉन्ड एन, और ये सफिक्स क्या हो गया, नाइट्राइड, इथेन नाइट्राइड। क्या नाम बन गया इसका, इथेन नाइट्राइड। कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, इथेन नाइट्राइड, सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन, कॉमन नेम क्या नाम गया, इथेन नाइट्राइड। पहली बात हम बात कर रहे थे सेकेंडरी प्रीफिक्स की, कि सेकेंडरी प्रीफिक्स कब यूज हो, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमने कहा कि सेकेंडरी प्रीफिक्स हमेशा जब भी एक ही ग्रुप होगा वो बार बार रिपीट होगा तो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स बनेगा। क्लियर सर? आगे देखिए, हमारे पास फिर कंपटीशन होता है सेकेंडरी सफिक्स का और सेकेंडरी प्रीफिक्स बनने का, सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स बनने। यदि हम देखें तो हमने कहा था भाई फंक्शनल ग्रुप थे हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप हमने पांच पढ़े थे, फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। आप उनके लिए हम पढ़ेंगे कि जब वो सेकेंडरी सफिक्स यूज होते हैं तो हम क्या करते हैं, और जब वो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होते हैं तो हम क्या करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होते हैं तो हम क्या करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सेकेंडरी सफिक्स जब ये यूज हुआ था एसिड है, तो सेकेंडरी सफिक्स जब ये यूज हुआ था तो आपने लिखा था ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड। आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड एन साइनाइड है, सेकेंडरी सफिक्स यूज हुआ था तो आपने लिखा था नाइट्राइड। आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ एच है, एल्डिहाइड ग्रुप है, जब यूज हुआ था आपने लिखा एल। आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ है, आपने लिखा ओन। और आपके पास सी ओ एच है, ओ एच, आपने लिखा ओन। ये बातें थी सारी सारी जब यूज हो रहे थे क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जब ये सारे के सारे क्या यूज हो रहे थे, सेकेंडरी प्रीफिक्स जब यूज कर रहे थे उस केस में ये बातें आपने लिखी, ये बातें सारी आपने उस समझ ली। अब यदि आप इसको इनको यूज करोगे कि भाई यदि ये यूज हो सेकेंडरी सफिक्स की तरह से, प्रीफिक्स की तरह यूज हो, सेकेंडरी यदि प्रीफिक्स भी यूज बन जाए तो प्रीफिक्स, यदि ये प्रीफिक्स की तरह यूज हो तो उस केस में सेकेंडरी प्रीफिक्स बढ़ता है इसके लिए कार्बोक्स, सी ट्रिपल बॉन्ड एन इसके लिए बढ़ता है साइनो, साइनो इसके लिए एल्डो और फॉर्माइल, एल्डो और फॉर्माइल, सी डबल बॉन्ड ओएच के लिए एल्डिहाइड के लिए एल्डो और फॉर्माइल, इसके लिए कीटो और ऑक्सो, कीटो और ऑक्सो, और इसके लिए बढ़ता है हाइड्रोक्सी, क्या बनता है हाइड्रोक्सी। फंक्शनल ग्रुप्स की बात, सी डबल बॉन्ड ओएच ओइक एसिड, कार्बोक्सी, साइनो, एल्डो, और इसके लिए क्या है, कीटो या ऑक्सो या फिर हाइड्रोक्सी, ये आपके पास यूज होगा। अब एक बच्चा कहता है सर मुझे कैसे पता चले, मुझे कैसे पता चले ये बात कि अब ये सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, अब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होगा, ये बात मुझे कैसे पता चले। तो बच्चों एक सीरीज आती है जिसको हम कहते हैं प्रायोरिटी सीरीज, जिसको हम प्रायोरिटी सीरीज कहते हैं। यदि इन ग्रुप्स में से मैं डिसाइड करूं कि प्रायोरिटी सीरीज कैसे हो, तो इन ग्रुप्स में सबसे पहली प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, सी ओ ओ एच की होती है सबसे ज्यादा, फिर सी ट्रिपल बॉन्ड एन की होती है, फिर सी डबल बॉन्ड ओ एच की होती है, फिर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ की होती है, और फिर आपके पास ओ एच की। यदि आप प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं कि प्रायोरिटी, तो सबसे पहले प्रायोरिटी कार्बोक्सी, सी डबल बॉन्ड ओ एच, फिर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, फिर सी डबल बॉन्ड ओ एच, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर ओ एच। आप देखें क्या बढ़ता क्या है, ये बातें एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्या होता है। जब ये देखें आपकी होता क्या है सर, तो उस केस में आपके पास क्या है, इफ मोर देन, मोर देन, मोर देन वन ग्रुप, वन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, मल्टी फंक्शनल लिख देते हैं,
एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, देन फंक्शनल ग्रुप विच कम्स फर्स्ट इन प्रायोरिटी सीरीज इज treated as secondary suffix while the functional group which comes after is treated as secondary prefix। यानी कि जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा सीरीज में उसको आप क्या मानोगे, उसको आप सेकेंडरी सफिक्स मानोगे, और जो फंक्शनल ग्रुप बाद में आएगा उस बाद वाले को आप क्या मानोगे, उस बाद वाले को आप मानोगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। एग्जांपल दे, ये देते हैं एग्जांपल दे, किसी ने आपको ये दिया CH2 COOH, ये आपको दे दिया CH। IPC नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, और वो फर्स्ट पॉइंट ये है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आप सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट कर लें, आप सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन, और जो फंक्शनल ग्रुप है इस फंक्शनल ग्रुप की, जो ये फंक्शनल ग्रुप है CH, इसकी प्रायोरिटी पहले है, तो सबसे नंबर वन टू थ्री फोर फाइव, पांच कार्बन, पांच के लिए रूट वर्ड एन, सिंगल बॉन्ड एन। अब देखो प्राइमरी प्रीफिक्स पड़ गया एन, दो फंक्शनल ग्रुप है, एक ये है एक ये है, ये कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कौन सा है अल्कोहल, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरा है अल्कोहल। यदि आप ये देखें पेंट एन और ये वन के ऊपर दो फंक्शनल ग्रुप होगी, एक तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एक हो गया अल्कोहल। प्रायोरिटी सीरीज देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है, जो पहले आएगा वो सेकेंडरी सफिक्स बनेगा, सेकेंडरी सफिक्स बनेगा, जो बाद में आएगा वो सेकेंडरी प्रीफिक्स बनेगा, क्या बनेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब COH को आप सेकेंडरी सफिक्स जब यूज करते हो क्या लिखते हो, ओइक एसिड, कौन सी क्वेश्चन, वन ओइक एसिड, ये। और OH को जब आप प्रीफिक्स लिखते हो तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे हाइड्रोक्सी, तो ये 1 2 3 का थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, क्या नाम लिया थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, बोलो बच्चों क्या बना इसका नाम, थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। और देखें बच्चा कह रहा है सर ये आ जाएगा, ये आपके पास ये आ जाए CH3 CH2 OH CH2 C double bond O CH2 C triple bond A, ये वाला। सबसे पहले तो आप फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करो कि फंक्शनल ग्रुप कितने, एक फंक्शनल ग्रुप, दूसरा फंक्शनल ग्रुप, तीसरा फंक्शनल ग्रुप, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तीन। कौन कौन से हैं, ये आपके पास साइनाइड, ये आपके पास कीटोन, और ये आपके पास अल्कोहल, ये आपके पास अल्कोहल, ये है अल्कोहल, एक साइनाइड, एक कीटोन, एक अल्कोहल। यदि आप इनको देखें तो आप पाएंगे कि सबसे ये नंबरिंग करेंगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 छह कार्बन, छह के लिए रूट वर्ड एक्स, सिंगल बॉन्ड ए, सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कोई जो नींद में पड़ता है वो जब जागेगा तो सर ये तीन बॉन्ड, सर ये दो बॉन्ड, ऐसा नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखनी है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड देखनी है, 1 2 3 4 5 6 छह कार्बन, छह के लिए एक्स, रूट वर्ड ए, क्योंकि सभी बॉन्ड सिंगल है। अब प्रायोरिटी सीरीज में सबसे पहले कौन आता है, साइनाइड, तो जो सबसे पहले आया वो तो बन जाएगा क्या सेकेंडरी सफिक्स, और जो बाद में है वो सारे के सारे क्या बनेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या बनेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। लिखो एक्स
इन वन नाइट्राइल, वन नाइट्राइल, और इसके लिए ये जो सेकेंडरी स्टिफिक्स यूज होता है तो हाइड्रोक्सी, जब ये यूज होता है तो कीटो या ऑक्सो, कीटो या फिर ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो दोनों लिखते हैं। अल्फाबेट में ये पहले आता है तो पांच पे फाइव हाइड्रोक्सी, फाइव हाइड्रोक्सी, थ्री कीटो हेक्सेन नाइट्रो। फॉलो हो चुके, क्लियर सभी को? चलो आप इतने इंटर एग्जाम्पल और कर लो, एक आधा एग्जाम्पल और कर लेते हैं, और कर लें एग्जाम्पल एक दो। जब हम और एग्जाम्पल करें तो हमारे पास ये आता है कार्बन 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 कार्बन, ये आता है। इसमें हमने कहा सर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ एच, सी एच टू, सी एच टू, सी एच, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, तीन फंक्शनल ग्रुप आ गए भाई, तीन फंक्शनल ग्रुप आपके पास आ गए, वन टू थ्री, दो कीटोन है, दो क्या है आपके पास कीटोन है, और एक आपके पास क्या है एलडी है, अल्कोहल है, दो कीटोन एक अल्कोहल। आपको नंबरिंग करनी, इसके अंदर सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करना सीख देखो दोस्तों, ये आपके पास कीटोन है और ये क्या है अल्कोहल, और देखेंगे इसे एक बार मैं और बता रहा हूँ। कार्बन कार्बन फंक्शनल ग्रुप्स को पहचानना जरूरी है, जो पहचान में आ जाएंगे तो बहुत आराम सुनेंगे। कार्बन 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 कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ओ एच, सी ओ एच, और ये आपके पास दे दे सी ट्रिपल बॉन्ड ए, और ये एक फंक्शनल ग्रुप बताओ, तो एक तो सी एन ग्रुप, एक सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, सी एन कौन सा है साइनाइड, साइनाइड, और सी ओ कौन सा है कीटोन, और ये कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कौन सा है अल्कोहल। ये आपको ग्रुप्स का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ग्रुप्स आइडेंटिफाई होंगे तो बेसिक रूल वही चलते हैं, और जो बेसिक रूल वही हैं तो वो चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाती हैं। बच्चों ये लेक्चर देख लें आप, ये बहुत अच्छा लेक्चर है, आप इसको देखें पढ़ें एक साथ, सब कुछ पढ़ाने से सब कुछ मटिया मिल हो जाता है, आप इनको पढ़े आइडेंटिफाई करना सीखिए, बहुत टाइम है, धीरे धीरे चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, इन लेक्चर्स को पढ़ लें, इसको आइडेंटिफाई करना सीखें ग्रुप्स कौन से हैं, फिर अपने आप रूल लगाना सीखें अपने आप अपना, तो उससे आपको चीज़ समझ में आएगी, उससे आगे फिर कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।